हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस न्यूमेरिकल में भी हमें टोटल इलांगेशन फाइंड करनी है, बट ये न्यूमेरिकल हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल से अलग है, बिकॉज अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल थे उसमें एक ही फोर्स लग रहा होता था, तो हर ब्लॉक में वही फोर्स आ रहा होता था, बट इसमें काफ़ी फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि पर ब्लॉक क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। बट पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1000 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस एज शोन इन फिगर। अलग अलग टाइप के एक्सियल फोर्स लगे हैं, देन हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल इलांगेशन ऑफ वायर। टेक ई इक्वल टू 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर mm². इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें फोर्सेस निकालने हैं। तो फोर्सेस कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि इस पे फोर्स जो लग रहा है वो P1 होगा, इस पे P2 एंड इस पे P3। तो कैसे फोर्स की वैल्यूज निकालेंगे, अगर हमें P3 निकालना है तो जिस ब्लॉक में फोर्स निकालना है उस पर इस टाइप से हाथ रखिए और देखिए कि फोर्स क्या लग रहा है। यहाँ पे अगर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है टेंसाइल है, इसका मतलब उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अंदर की तरफ है तो उसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ है, ये तो क्या हो गया -10, मीन्स P3 पे P3 क्या होगा हमारा -10, जो इस पर फोर्स लग, P2 इस पर फोर्स लग रहा है तो वो निकालते हैं। इस टाइप से हाथ रखा, देखा कितने फोर्स लग रहे, -10 लग रहा है, -20, तो -10 - 20 = -30। नाउ इस पर देखते हैं क्या फोर्स लग रहा है, बीच में हाथ रखिए और फोर्सेस देखिए, -10 - 20 + 80, सो -10 - 20 + 80 = 50 kN। सो इस पर फोर्स -10 लग रहा है, कंप्रेसिव होगा इसका, मीन्स इस पर कंप्रेसिव फोर्स -30 लग रहा है और इस पर टेंसाइल फोर्स 50 kN का लग रहा है। नाउ इन तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस लगा दीजिए एंड हम इसमें से इन तीनों का अलग अलग डेल्टा एल निकालते हैं। इसका डेल्टा एल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ जो हमें इसकी पता है, हमें दे रखी है लेंथ, फोर्स हमने निकाल लिया है, एरिया जो है वो कांस्टेंट है सबका और ई भी कांस्टेंट सबके लिए दे रखी है क्वेश्चन में। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, PL/AE। तो डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, P1L1/AE। पी इन टर्म किलो न्यूटन में है तो हम इसको न्यूटन में रखेंगे, L की वैल्यू रखेंगे, एरिया एंड E की वैल्यू रखेंगे, देन हमें डेल्टा L1 मिल जाएगा 0.286 mm। इसी टाइप से हम डेल्टा L2 एंड डेल्टा L3 निकाल लेंगे। हमें क्वेश्चन में टोटल इलांगेशन चाहिए थी, तो टोटल इलांगेशन के लिए क्या करना होगा, हमें तीनों को प्लस करना होगा, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों को प्लस कर देंगे देन हमें डेल्टा एल मिल जाएगा जो कि माइनस का 0.114 mm आ रहा है। माइनस का मतलब जो हमारी लेंथ है उसमें डिक्रीजमेंट हो रहा होगा, इलांगेशन नहीं हो रही होगी, लेंथ कम हो रही होगी। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारे फोर्स माइनस में है तो हम जो फोर्स माइनस में है उनको माइनस में रखेंगे, जो फोर्स प्लस में है उसको प्लस में रखेंगे। थैंक यू।